पीस बी विद यू ऑल स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे अंदाज में सब सीख रहे हैं और यकीनन छुट्टियों में बहुत आपको मौका मिल गया है कि अच्छे अंदाज में मेहनत करके बहुत सारी बातों को बहुत ज्यादा वक्त देकर आप सीख सकें। तो आते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, और इससे पहले कि मैं अपना आज का लेक्चर शुरू करूँ, मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक जो है वो हमारा है सूरतुल अनफाल का रुकू नंबर 5 है और इसकी आयत नंबर 43 और 44 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ी थी आयत नंबर 41 और 42, और उससे लेक्चर शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सी बात मैं आपको बताऊं, और यकीनन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और कुछ वो इस तरह है, ख्याल का पाक होना रूह की पाकिजगी को जाहिर करता है। यानी अगर ख्याल अच्छे होंगे, पाकिजा होंगे, तो रूह भी पाकिजा होगी और इंसान की सोच हमेशा अच्छी रहेगी, और जब सोच अच्छी रहेगी तो अमलों पर भी इसका असर पड़ेगा और अमल भी बेहतरीन, खूबसूरत, पाकिजा होते चले जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब इस पर गौर करें और इसे अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बने। लेक्चर शुरू करने से पहले जो हमने पीछे पढ़ा था उसके हवाले से एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से, ताकि आपके जहनों में वो सारी बातें दोबारा से आ जाएं। सूरतुल अनफाल के हवाले से हम पढ़ रहे हैं, और सूरतुल अनफाल के हवाले से आपको ये मालूम ही है कि ये जो सूरत है माल गनीमत की तकसीम के हवाले से नाजिल हुई, क्योंकि मुसलमानों में थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हो रहा था। जब उन्होंने माले गनीमत को तकसीम करना चाहा तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इसे तकसीम किया जाए, तो उस हवाले से अल्लाह ताला ने पहले तो ये अल्लाह और उसके रसूल का, यानी उनमें एक अतात पैदा हो जाए और उनकी अखलाकी तरबियत भी हो जाए और साथ साथ इंतजामी इसलाह भी हो जाए कि मैदानी जंग में वो माल समेटने में मसरूफ ना हो जाए और दुश्मन को मौका ना मिल जाए पलट कर वार करने का। और साथ साथ ये भी अल्लाह ताला चाह रहे थे कि जंग में जब मुसलमान शरीक हों तो वो माल गनीमत के हसूल के लिए शरीक ना हो, बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को बुलंद करने के लिए, और साथ साथ ये भी एहसास पैदा हो कि वो अगर मैदानी जंग में पहुंच रहे हैं और मुजाहिदीन के साथ हैं तो सिपे सलार की अतात का जज्बा भी उनके अंदर मौजूद हो। यानी हमारी आयत नंबर 41 और 42 में तकसीम का कानून जो है वो पेश कर दिया गया था। कोई शक के इस सूरत में और बहुत सारे दीगर मजामीन भी बयान हुए हैं और कहीं ना कहीं और दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान दिया गया है, लेकिन इसमें बेशतर मौकों पर जंगे बदर के हवाले से ही जिक्र मौजूद है, जिन्हें हम पढ़ते रहेंगे और साथ साथ दोहराते रहेंगे। तो आते हैं हम अपनी आज की आयत की तरफ, और आयत जो है मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और लफ्ज में अलहदा अलहदा पढ़ूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, खासतौर पे वो बच्चे जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए हैं, ताकि तलफ्फुज़ उन पर जो है वाज़ह हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस यरे कहुमुल्लाहु फी मनामिका कलील वलौ अराकहुम कसीरन ला फशिलतुम वला तनासतुम फिल अम्री वलाकिन्नल्लाहा सलाम इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हम इसके लफ्जी तर्जमे की तरफ आते हैं, और लफ्जी तर्जमा आपके सामने है। इस जब अल्लाहु अल्लाह मनामिका तुम्हारी ख्वाब, आप इसके लिए तुम्हारा का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाह लो और अगर कसीरन बहुत ज्यादा वाला तनाजा तुम झगड़ते वलाकिन वाह का मतलब हर जगह और ही आता है, लकिन लेकिन सलाम बचा लिया, और ये सलामती के मानों में भी इस्तेमाल होता है। अलीमुन जानने वाला, इरुकुहुम तुम्हें दिखाया, फी में कलीलन थोड़ा, राकुहुम तुम्हें दिखाता उन्हें, लफशल तुम तो तुम बुजदली करते, फिल अम्र मामला में, अल्लाहु अल्लाह इन्नहु बेशक वो बिजाति सुदूर दिलों की बात,
अच्छा, इसके अब हम बा मुहावरा दशमी की तरफ आते हैं। उस वक्त खुदा ने तुम्हें ख्वाब में काफरों को थोड़ी तादाद में दिखाया, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन खुदा ने तुम्हें उससे बचा लिया। इस लफ्जी तर्जमे में जो मुश्किल लफ्ज हैं उनको हम वासे कर लेते हैं। जी, जी का मफहूम है दिल, दरपेश सामने, जो बात सामने आपके पेश आ रही है। अब इसके अगर हम वजाहत की तरफ जाएं तो हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करने के लिए और इस्लाम को फैलाने के लिए जब गज़वे बदर पेश आया तो टोटल जो हमारे पास या मुकम्मल मुजाहिदीन जो मौजूद थे वो 313 की तादाद में थे, और कुफार जो थे वो तकरीबन 1000 की तादाद में थे, और असलहे से लैस थे, बहुत सारा उनके पास साजो सामान था, और मुसलमानों के पास उस तरह असलहा भी मौजूद नहीं था। कुछ तलवारें, कुछ नेजे, एक दो घोड़े और इस तरह की चीजें मौजूद थी। यकीनन इंसानी जहन सबके पास मौजूद है और अक्ल जो है वो काम करती है, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, तो कहीं ना कहीं इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब हमारे पास इतनी बड़ी तादाद है और इतने वो साजो सामान के साथ और इतने असलहे के साथ वो मौजूद हैं तो हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। हमारे पास तो असलहा भी नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जो है वो खाली हाथ हैं, फिर जरा भी जरा जो वो लोहे के लिबास होता है जो तलवार और नेजे से बचाने के लिए पहनती हैं तो वो भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पहने हुए हैं, तो थोड़ा मुकाबला मुश्किल है। हर सोचने वाले जहन रखने वाले इंसान को यूं महसूस होता है, और यकीनन मुसलमानों ने भी इस हवाले से सोचा कि ये कैसे मुमकिन होगा, हम कैसे ये मुकाबला करेंगे। अगरचे उन्हें अल्लाह ताला की मदद पे यकीन था और उन्हें ये भी तवक्को थी कि अल्लाह ताला हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा और इस मौके पर वो हमारे साथ होगा। यकीनन अल्लाह ताला साथ ही रहे और कदम कदम पर उनकी मदद की। तो यहाँ भी और साथ साथ अल्लाह ताला ने बताया भी है कि मैंने क्या क्या किया है, और यहाँ भी इस आयत में भी अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि मैंने ख्वाब में काफरों को थोड़ी तादाद में करके दिखाया, यानी कम करके दिखाया। अगर मैं ऐसा ना करता तो ये भी मुमकिन था कि तुम लोग दिल छोड़ देते। जाहिर है एक बड़ी तादाद सामने है मुकाबले के लिए, और 313 के सामने 1000, अगर हम वैसे भी अंदाजा लगाएं तो एक शख्स का 3 लोगों के साथ मुकाबला था। तो अगर इंसानी जहन के हवाले से सोचा जाए तो कुछ लोग तो चले लड़ने में बाहिर होते हैं और वो 3 का मुकाबला कर सकते हैं, कुछ थोड़ा अपनी अंदर वो सलाहियतें नहीं रखते हैं तो वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं और वो 3 का मुकाबला नहीं कर पाते। तो वो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस एहसान को बताया है कि मैंने ख्वाब में तुम लोगों को थोड़ी तादाद दिखाई कुफार की, ताकि तुम लोग घबरा ना जाओ, और कहीं कुछ लोग, सब नहीं, जाहिर है जिनका ईमान पुख्ता था वो तो नहीं बुजदली दिखा सकते थे, लेकिन वो लोग जो अभी नए मुसलमान हुए थे और उनके अंदर ईमान की वो पुख्तगी मौजूद नहीं थी तो मुमकिन था कि वो कहीं ना कहीं अपने वो घबरा जाते और वो कदम पीछे हटा लेते। तो अल्लाह ताला ने, और फिर नतीजतन एक अफरा तफरी फैल जाती, यानी जो 313 लोग थे उसमें से अगर कुछ लोग निकल जाते तो फिर और तादाद कम हो जाती, और तादाद कम हो जाती, तो जो और लोग पुख्तगी के साथ मौजूद थे कहीं ना कहीं उनमें भी घबराहट जो है वो पैदा हो जाती। तो अल्लाह ताला ने ये एहसान यहाँ पर बताया है कि मैंने ये किया कि ख्वाब में तुम लोगों को कुफार की तादाद को कम करके दिखाया, ताकि तुम लोग हौसला ना हारो और तुम्हारे दिल मजबूत रहें और ईमान की पुख्तगी के साथ उनका मुकाबला करो, और जो काम दरपेश था यानी जो काम होने वाला था, जो वाकई होना था, उसमें कोई झगड़ा ना हो और वो काम अच्छे अंदाज में तुम लोग अंजाम दे सको। मुझे तवक्को है यहाँ तक समझ आ गई होगी, और अगर कोई बात आपको लग रहा है कि गैर वासे है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है अगली लाइन में, बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। एक तो अल्लाह ताला ने झगड़े से बचाए, यानी मुसलमानों को आपस में लड़ने से, तफरके से
बचा लिया। और साथ साथ अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं तो दिलों के रासों से भी वाकिफ हूँ, यानी कुछ लोगों के जहनों में जो बातें पैदा हो रही थी वो अल्लाह ताला भी जान रहे थे, और इसी हवाले से अल्लाह ताला ने ये अमल जो है वो किया कि मुसलमानों को ख्वाब में कुफार की तादाद को कम करके दिखाया। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूं कि जो सूरतुल अनफाल है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये अरबी जबान का लफ्ज नफल, और इससे मुराद है जो वाजिब और हक से जायद हो, और जब अनफाल की सूरत में तो यानी माल गनीमत या गनाइम का लफ्ज भी इसके लिए अक्सर जगह पर इस्तेमाल हुआ है। जो इसकी तफसीर और वजाहत करने वाले लोग मौजूद हैं उनका ख्याल है, गालबन का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करूंगी, उनका ख्याल है कि गालबन ये सूरत एक बार में ही नासिल हुई है, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन किस्म का तसलसल मौजूद है और कहीं भी नहीं लगता कि बात को रोक के दोबारा से नए अंदाज में शुरू किया गया। दूसरा बयान उनका ये है कि ये भी मुमकिन है कि कुछ हयात जो है जंगे बदर से पैदा होने वाले मसाइल के हवाले से बाद में भी उतरी हों, लेकिन उन्हें मुनासिब जगहों पे दर्ज करके जो तसलसुल तकरीर है उसको बहुत उम्दा तरीके से बना दिया, और नतीजतन ये ऐसा लगता है कि ये सूरत एक बार में ही नाज़िल हुई हो। हम सब यकीनन जानते हैं कि कुरान पाक जो है वो वही की सूरत में नासिल हुआ, और अक्सर जो है फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो इसके वही लेकर आया करते थे, और साथ साथ वो बता दिया करते थे कि किस सूरत को कहाँ पर रखना है और किन आयत की तरतीब क्या होगी, ये भी बताया करते थे। तो इस हवाले से ये दोनों बयान मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं कि एक तो बयान ये वासे आता है कि गालबन ये सूरत एक बार में ही हासिल हुई, और दूसरी दूसरी जो सूरत है वो ये है कि हो सकता है कि ये मुख्तलिफ मौकों पर भी इसकी आयात उतरी हों, लेकिन उसकी तरतीब इतनी अच्छे अंदाज में कर दी गई कि लग नहीं रहा कि इसका रब जो है वो कहीं जो है वो मुतासिर हुआ है। अच्छा, अब एक बात और के जहां मुसलमान बहुत कम तादाद में थे और लग रहा था कुफार को कि वो जल्द मुसलमानों को खत्म कर लेंगे और नीस्त नाबूद कर देंगे, इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे और फिर से उनका जो मजहब है वो और उनका उरूज जो है वो दुनिया में फैल जाएगा, तो एक तो इस बात को अल्लाह ताला ने गलत साबित किया कि ऐसा नहीं है, मुसलमानों को मिटाना मुमकिन नहीं है, खा वो कलील तादाद में है, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो पूरी दुनिया पर शान शौकत के साथ हुकूमत कर सकते हैं और बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे सकते हैं, और ऐसा बाद के हालात ने साबित कर दिया। अगर हम पढ़ें इस्लामी तारीख तो हमें अंदाजा होगा कि वाकई अल्लाह ताला ने मुसलमान साथ दिया, और हकीकतन अच्छा इस जंग में कुफार के बड़े सरदार हमारे अबू जहल जो समझ रहा था अपने आप को कि वो एक नाकाबिले शिकस्त इंसान है और उसने अपनी हिफाजत का बहुत उम्दा इंतजाम किया हुआ है, उसे मारना जो है वो नामुमकिन है, वो भी इसी जंग में मारा गया, और कुफार के घमंड को और उनकी ताकत को एक बहुत बड़ा जबरदस्त झटका पहुंचा, धचका पहुंचा, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हम उन लोगों को जिन्हें कमतर समझ रहे थे और ये तसव्वुर कर रहे थे कि इन्हें मिटाना तो एक मामूली सी बात है, हम इन्हें जल्द ही खत्म कर देंगे, उन्हें मिटाना उन्हें खत्म करना उनके बस की बात नहीं है, और बतौर एक कौम मुसलमान बाकायदा यहाँ से उभरना शुरू हो गए। हम आते हैं अगली आयत की तरफ, और अगली आयत मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, تَكَتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ। अच्छा, इसमें अब हम चलते हैं लफ्जी तर्जमे की तरफ, और लफ्जी तर्जमा जो है वो कुछ यूं है, वा का मफहूम जैसे कि आप सबको मालूम है कि वा हर जगह और के मानों में आता है, यदि कुमुहुम यहाँ पर इससे मुराद है वो तुम्हें दिखलाए, इस जब फी हर जगह में के मानों में इस्तेमाल होगा, आयुनिकुम तुम्हारी आंखें। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा ये लफ्ज दो जगह इस्तेमाल हुआ है, एक जगह कुम के हवाले से इस्तेमाल हुआ और एक जगह हिम के हवाले से इस्तेमाल हुआ है, तो इस हवाले से इसके मफहूम में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ध्यान में रखिएगा यहाँ पर है तुम्हारी आंखें। कलीलन
थोड़ा कम तादाद में, वा युक्तिलिर लोकुम, और इसका मफहूम है और थोड़े दिखाए दिखलाए तुम, लियक्दियल्लाहु, ताके पूरा कर दे अल्लाह, अमरन अम्र, काना था, मफूल होकर रहने वाला, वा और इला का मतलब होता है तरफ, अल्लाहु अल्लाह, तुर्जाउल उमूर, अच्छा तुर्जाऊ का मतलब है लौटना, उमूर अमर की जमा है और काम जाहिर है काम के हवाले से फिर जमा कामों की तरफ हम इसको ले जा सकते हैं। इसके मैं बा मुहावरा तर्जमे की तरफ आती हूँ, और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफरों को तुम्हारी नजर में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि खुदा को जो काम करना मंजूर था उसको कर डाले और सब कामों का रुजू अल्लाह ताला की तरफ है। वही बात इसमें फिर दोबारा से दोहराई गई है कि अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों पर बेशुमार एहसानात किए और बेशुमार इनामात की बारिश की, कि अल्लाह ये चाह रहा था कि यकीनन ये जो है फैसला ये हो जाए। यौमुल फुरकान के हवाले से हमने पढ़ा कि ये फर्क करने का दिन, यानी जंगे बदर का दिन है, फर्क करने का दिन हक और बातिल के दरमियान में, ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि सच्चाई क्या है और गलत रास्ता कौन सा है। तो इस हवाले से यकीनन अगर अल्लाह ताला साथ ना देते तो मुसलमानों के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना और अपने मजहब को साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और फिर इस जंग के शुरू में ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह ताला, अगर आज ये मुट्ठी भर लोग खत्म हो गए तो फिर तेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने, और वैसे भी अल्लाह ताला का वादा है जैसे कि हमें सबको पता है कि अल्लाह ताला यकीनन मुसलमानों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि वो सीरत और किरदार के हवाले से इस्लाम पर अमल करने वाले हों। यहाँ पर वही बात फिर बात वासे हो गई कि अल्लाह ताला ने ख्वाब में मुसलमानों को कुफार की तादाद को कम करके दिखाया, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाह रहे थे कि जो हक और बातिल का फैसला है वो आज वासे होकर सामने आ जाए, और अल्लाह ताला को यही काम मंजूर था कि ये फैसला इसीलिए अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात मुसलमानों पर भेजे, बेशुमार एहसानात की बारिश की, ताकि ये जंग जो है वो हर हाल में होके रहे, जो है वो खुदा की तरफ ही है, यानी हमारे तमाम काम जो हैं वो अल्लाह ताला ही करते हैं, और हमें कोई भी किसी भी काम के हवाले से अगर रुजू करना है तो वो अल्लाह ही से हमें जो है वो है। तो यहाँ तक तो यकीन मुझे लग रहा है कि बात वासे हो गई है, और अगर कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं कोई बात वासे नहीं है तो फिर आप मुझे इस हवाले से पूछ सकते हैं। मुकाबिल का मतलब है आमने सामने होना, मुश्किल जो लफ्ज है इस बा मुहावरा तर्जमे में, उसका मफहूम है आमने सामने होना, रुजू करना यानी राबता करना, जाना उस तरफ। तो यकीनन जो है इस हवाले से आप तक बात वापस पहुंच गई है। चलिए फिर आगे चलते हैं, और आगे जो है हमारे पास मश्क मौजूद है, किताब में यकीनन सबकी खुली हुई है और इस हवाले से मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं, कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और उनका सात मफहूम मौजूद है। तो इन अल्फाज और मफहूम को याद आपने करना है, क्योंकि आपके पास जो मुख्तसर सवाल आते हैं, जो कसीरुल इंतखाब आते हैं, तो उसमें इनके हवाले से जो है सवाल शामिल होते हैं, इसलिए इनको इनको लास्ट में याद कीजिएगा। बा मुहावरा तर्जमा आपने याद करना है इस पूरे रुकू का, और साथ साथ हम इन सवालों के जवाब की तरफ भी आते हैं। तो मेरे पास पहला सवाल जो है वो मैं पढ़ देती हूँ, इस सबक में माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। बहुत अच्छी तरह बार बार दोहरा दिया मैंने कि इस सबक में माल गनीमत की तकसीम के हवाले से दो बार अहकाम हमारे पास सामने हैं। पहले अल्लाह ताला ने कहा कि ये
और उसके रसूल का मामला है, यानी ये इसमें आप को कोई इख्त हासिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते कि वो मुसलमानों के अंदर अतात और फर्मा बरदारी का जज्बा पैदा कर दें, साथ साथ ईमानदारी की जो खसूसियत है वो भी पैदा कर दें, कि वो अपने अमीर से कुछ छुपाए नहीं, लालच उनके जहन में रहे नहीं। तो यहाँ पर दो अहकाम नासिल हुए, पहली बार कहा गया कि ये अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, और दूसरी बार कहा गया कि इस माल गनीमत के पांच हिस्से करने हैं, पांचवा हिस्सा जो है वो अल्लाह उसके रसूल का, अहले कराबत का, यतीमों का, मस्कीनों का और मुसाफिरों का है, और बाकी के जो चार हिस्से हैं वो मुजाहिदीन के हैं। तो ये इस सवाल यकीनन वासे हो गया होगा आपके ऊपर कि जो है माल गनीमत की तकसीम के हवाले से इसी रुकू में सूरतुल अनफाल के रुकू नंबर पांच में दो बार बयान आया है, पहली बार अल्लाह और उसके रसूल का मामला है ताकि मुसलमानों के अंदर अताज जो है वो जज्बे अताज जो है पैदा हो जाए, वो अपने सिपेसलार की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने और दिलों के लालच को खत्म करें, क्योंकि इसके हवाले से तनासात पैदा हो रहे थे। और दूसरी जगह फिर बताया कि ठीक है अल्लाह और उसके रसूल का माल है और इसके साथ इसके पांच हिस्से करने हैं, पांचवा हिस्सा जो है वो अल्लाह उसके रसूल का, अहले कराबत का, यतीमों का, मस्कीनों का और मुसाफरों का है, और बकिया के चार हिस्से जो मुजाहिदीन के हैं जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया है। ठीक है, यकीनन वासे हो गया होगा आप सबको। तो इस सवाल के जवाब को आपने लिखना है, और ना सिर्फ लिखना है, अच्छे अंदाज में लिखना है, बल्कि इसको याद भी करना है। अच्छा, अब अगला सवाल मैं पढ़ती हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस ख़ुसूसी इनाम ओ एहसान का जिक्र किया। अच्छा, कुछ लोगों में कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये सवाल जो है वो इसी रुकू के हवाले से है और इसका जवाब इसी रुकू के हवाले से बनता है। तो इसमें तो दो ये एहसान हुए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो ख्वाब दिखाया उसमें कुफार की तादाद को कम करके दिखाया, और साथ साथ अल्लाह ताला ने जो करीब के और बैत के नाके के हवाले से है वहां पर मुसलमानों को सहूलत दी और उन्हें वक्त पर पहुंचा दिया। तो ऐसा नहीं है, जब सवाल यहाँ मौजूद है और ग़ज़वे बदर के हवाले से पूछा जा रहा है, तो पूरी सूरतुल अनफाल के हवाले से या तमाम इनामात के हवाले से अल्लाह ताला ने जो भी किए मुसलमान पे वो सब आपने लिखने हैं। अल्लाह ताला के इनामात जो हैं वो आपके सामने हैं, अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी और जो जगह थी वो सख्त कर दी ताकि मुसलमानों के चलने फिरने में आसानी हो, क्योंकि वो जगह सख्त नहीं थी और वहां पर पहुंचे हैं वो चलते हुए धंस रहे थे और मुसलमानों के लिए चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। फिर चूंकि कुफार पहले पहुंच गए थे तो उन्होंने पानी के जखीरे पर कब्जा कर लिया था, तो वो मुसलमानों के पास पानी भी नहीं था, तो अल्लाह ताला ने बारिश के जरिए मुसलमानों को मौका दिया कि वो अपने लिए पानी इकट्ठा कर लें ताकि तहारत जो है वो हासिल कर सके। ठंडी हवा चला दी, मुसलमान पुरसकून हो गए और साथ साथ उन पर नींद तारी कर दी, वो सो गए और चूंकि जो थकावट थी वो खत्म हो गई और अगले दिन वो ताजादम हो गए लड़ने के लिए। फिर इसके साथ साथ आप फरिश्ते भेजे तकरीबन 1000 जो एक के बाद एक उतरते रहे और मुसलमानों के साथ साथ मदद करते रहे, और साथ साथ ख्वाब जिसमें मुसलमानों को कुफार की तादाद को कम करके दिखाया। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी बनते हैं वो सारे आपने लिखने हैं, हेडिंग के साथ आपने हर एहसान और इनाम का जिक्र करना है, और उसके साथ एक एक लाइन में, बहुत लंबा नहीं बनाना है, एक एक लाइन में उसकी तफसील लिखनी है। इस अंदाज में आप अपनी जो नोटबुक है, आपके पास जो इस्लामियत की नोटबुक है उसके पर आपने इन दोनों सवालों के जवाब जो हैं वो लिखने हैं अपने तौर पे अच्छे अंदाज में, और उन्हें याद भी करना है। जहां तक यहाँ पर एक मुख्तसर सी आयत दी हुई है और इसका तर्जमा जो है वो आपने वासे करना है, मफहूम का से मुराद तर्जमा ही है, तो वो हम चूंकि पीछे पढ़ चुके हैं तो इसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। यकीनन आप सब पर ये सारी बातें जो है
वो वाज़े हो रही होंगी। एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि आप ने आज जो आयतें पढ़ी हैं वो आयत नंबर 43 और 44 पढ़ी है, और इसमें अल्लाह ताला के एहसान का जिक्र किया गया है कि जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर किया, क्योंकि तवक्को थी कि वो घबरा जाते, जी छोड़ जाते और मैदान जंग में हो सकता है कि मुश्किल का सामना करना पड़ता, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ख्वाब में कुफार की तादाद को कम करके दिखाया, क्योंकि अल्लाह ताला चाह रहे थे कि ये जंग हो जाए ताकि हक व बातिल का फैसला हो जाए, इसीलिए इस जंग को यौमुल फुरकान कहा जाता है। साथ साथ चूंकि कुफार को ये लग रहा था कि वो मुसलमानों मुठ्ठी भर मुसलमानों को कभी भी किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास ताकत है और ना ही इनके पास दौलत है, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस सोच को भी गलत साबित कर दिया कि नहीं, मुसलमानों को मिटाना जो है वो मुमकिन नहीं है, और उनका जो घमंड था ताकत का उसको भी इस तरह खत्म कर दिया कि बड़े बड़े सरदार और खासतौर पर अबू जहल जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मुखालिफ था उसको भी इस जंग में निस्तो नाबूद करवा दिया, और दो लड़कों ने अबू सुफयान को इस जंग में जो है वो मार डाला। तो यहाँ पर ये इस हवाले से सारा जो है वो तफसील जो है वो बयान हो गई और वो मैंने आपको बता दी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात वाज़े हो गई है। फिर भी अगर कोई लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं, और आपने इन सब को बहुत अच्छी तरह याद करना है। मैं यकीनन इस हवाले से कसीरुल इंतखाब यानी जो है मल्टीपल चॉइस वाले और जो छोटे मुख्तसर सवाल बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ मैं आपसे मुख्तलिफ सवालों के जरिए जानना भी चाहूंगी, और जो आप मुझे इनबॉक्स में मुझे जवाब भेज सकते हैं कि आया आप लोग साथ साथ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ तक इतना ही। अगर